हमारे पसंद आया घोड़ा आपको? बहुत पसंद है घोड़ा, तो सबसे टॉप घोड़ा है यहाँ का, इस पूरे मेला का सबसे बेहतरीन घोड़ा, सबसे बेहतरीन घोड़ा लगा तो देखने आए हैं कि ले भी जाएंगे? अरे तब देखने आए, पसंद आए तो चल भी जाएगा घोड़ा जी। लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि हमको पसंद आ गया है, तो पूरा 45 लाख लीजिएगा, ये इतने में फॉर्च्यूनर आ जाएगी, ले जाएंगे कि यार दाम हम थोड़ा ज्यादा लग रहा है? दाम ज्यादा नहीं है, घर का घोड़ा क्या खास है इसके अंदर? बहुत खासियत है, देखिए इसके इस रंग का घोड़ा नहीं मिलेगा, प्योर नोकड़ा। क्या कीमत है इस घोड़े की? इस कीमत तो 45 लाख रुपए रखे है। 45 लाख का घोड़ा? 45 लाख आपको पसंद आ गया? हमको तो पसंद है। तो एशिया के सबसे बड़े पशु मेला में है मित्रों, और सोनपुर का मेला जो है वो घोड़ों से सज चुका है। तमाम प्रकार के यहाँ पर बेहतरीन बेहतरीन जानवर आ रहे हैं, और इन जानवर को और इन घोड़ों को खरीदने के लिए तमाम लोग जो है वो बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं। इस वक्त सिवान के सांसद पति अजय सिंह जी आ चुके हैं, और एक घोड़ा इनको बेहद पसंद आ गया है, और इस घोड़े की कीमत शायद से आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन ये घोड़ा जितना देखने में खूबसूरत है, उतनी इसकी चर्चा इस मेले में हो रही है। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत अच्छा। क्या घोड़ा उड़ा लेने आए हैं? घोड़ा तो अब देखने आए हैं जी, और घोड़ा ये अपने ही हैं, हमारे ही पड़ोसी हैं। हमारे पसंद आया घोड़ा आपको? बहुत पसंद है घोड़ा, तो सबसे टॉप घोड़ा है यहाँ का, इस पूरे मेला का सबसे बेहतरीन घोड़ा, सबसे बेहतरीन घोड़ा लगा। आपको पसंद आ गया? हमको तो पसंद है, तो ले जाइए फिर, दे दीजिए चाचा। एकदम से देंगे, हम एक में के रहने वाले हैं। हमारा रामेश्वर से माला सिंह है जी जी। ब्लॉक रोड लाल कोठी के रहने वाले हैं, इसी जिला का। अजय बाबू हमारा बगले का है। हाँ अच्छा, क्या कीमत है इस घोड़े की? इस कीमत तो 45 लाख रुपए रखे। 45 लाख का घोड़ा? 45 लाख रुपए। क्या खास है इसके अंदर? बहुत खासियत है, देखिए इसके इस रंग का घोड़ा नहीं मिलेगा, प्योर नोकड़ा। प्योर कहीं मिलेगा, काला मिलेगा, कान में मिले, आणी में मिले, देह में मिले। उम्र 22 महीना। हाँ जब सिर्फ 22 महीने का है, और दाम 45 लाख जी जी। लेकिन सांसद जी कह रहे हैं कि हमको पसंद आ गया है, तो पूरा 45 लाख लीजिएगा, ये तुरंत फॉर्च्यूनर आ जाएगी। के लिए तो घर का बात है। हाँ जैसे कहेंगे उसके लिए मजूर है। हाँ अच्छा, घोड़े से इतना प्रेम क्यों है आपको? जो है मैं देखता हूँ हर बार सोनपुर मेले में आप चले आते हैं, इस बार चाचा का घोड़ा आपको पसंद आ गया, बहुत सारे घोड़े हैं, ये घोड़ा आपको कुछ खास नजर आया? ये घोड़े में सचमुच में देखने में इतना सुंदर है, और घोड़ा को देखने से ही एनर्जी मिलता है जी। और घोड़ा आपको पता होना चाहिए जे ये घोड़े जो हैं समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे जी। जैसे अमृत प्राप्त हुए थे, जैसे नंदनी गाय प्राप्त हुई थी, वैसे ही घोड़े प्राप्त हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय घोड़ा निकला था जी। तो ये घोड़े का इतना महत्व है, इसका कोई कीमत नहीं होता है जी। घोड़ों का ये शौक है, इस शौक आपके अंदर भी? हाँ, शौक तो है ही, और शान की सवारी है जी। हम ही लोग की सवारी है घोड़ा, तो इसलिए घोड़ा तो ऐसे 2 दिन पहले हमने देखा था इस घोड़ा को, तो आज अपने देखने आए हैं कि भाई हमारे ही बगल के, हमारे ममहर के, हमारा ममहर है वहाँ, और इतना अच्छा घोड़ा वहाँ पाल करके रखते हैं, तो इसलिए हम कहे चले भाई हम भी देखते हैं मेला में। तो देखने आए हैं कि ले भी जाएंगे? अरे तो देखने आए, पसंद आए तो चल भी जाएगा। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर सबको ही लगाते हैं, लेकिन घोड़ा जो है वो कोई कोई खरीदता है। और अभी जब संसद पति जी यहाँ पर पहुंचे तो इस घोड़े को देखने के लिए तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए, क्योंकि चाचा का कहना था कि ये घोड़ा सच में खास है, पूरे मेले का सबसे सुंदर घोड़ा तो है। इनका कहना है अगर ये घोड़ा का 45 लाख रुपया कोई नहीं दिया तो इसको मुंबई भेज देंगे, शूटिंग पर चला जाएगा। हाँ एकदम शूटिंग में जाकर हम घोड़ा दे देंगे। घोड़ा आप शौक से पालते हैं या खरीदने बेचने के लिए? खरीदने बेचने शौक से, देखिए हम रोजगारी हैं। हाँ। रोजगार करते हैं, शौक से भी पालते हैं, लेकिन मेन रोजगार है। अच्छा, इस घोड़े को अगर यहाँ नहीं बिकेगा तो कहाँ शिफ्ट कीजिएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में? हाँ। वहाँ क्या खास होगा? वहाँ शूटिंग में दे देंगे ले जाकर। आपके एक पगड़ी की बड़ी चर्चा होती है, और ये जो आपने पग बांध रखा है, कहते हैं कि जो है अजय सिंह जी का सब कुछ छीन लीजिए, सब कुछ मांग लीजिए, लेकिन इस पगड़ी को मत मांगिए क्योंकि इनकी शान है। ये पगड़ी इतना मतलब हरदम आप कहे बांधे रहते हैं? पगड़ी तो हम लोग का सम्मान है, शान है जी। और भगवा पगड़ी हम लोग का शान है। हाँ। क्योंकि भगवा बाना हम ही लोग का है। हाँ। तो इसलिए ये बात, युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं बिहार प्रदेश। हाँ, बिहार प्रदेश के हैं। तो हिंदुओं का झंडा भी बुलंद कर रहे हैं, इसलिए तो पगड़ी नहीं बांधे। सनातन धर्म है। हाँ। और सनातन धर्म का प्रतीक है ये जी। और सनातनी तो जो भी है इस धरती पर सब सनातनी है। हाँ। इसलिए सनातन धर्म का प्रतीक है, हम लोग सनातनी हैं। हाँ। इससे इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है हम जी।
अच्छा घुड़सवारी भी करते हैं आप क्या? निश्चित रूप से घोड़ा भी चलाते हैं। मतलब कब से चला रहे, कितने साल से? रखे हैं घोड़ा हम लोग, बचपन से ही चलाते हैं। अच्छा कितना साल से जो है घोड़ा पाल रखा है आपने? मतलब बचपन से तो, लेकिन अभी कितना? अभी तो घोड़ा अभी है घोड़ा हम लोग के पास, और चढ़ते भी हैं। हाँ। शौक से चढ़ते हैं। हाँ, कभी और कभी एक्सरसाइज भी हो जाता है चढ़ने से। हाँ। शरीर फिट भी रहता है। चलिए सच में जो है ये घोड़ा आकर इसकी आपको चहक पहक बता रही होगी, इसका जो जो चंचल स्वभाव है वो बता रहा होगा कि सच में ये चंचल है, और अगर ये किसी के द्वार के सामने बंधा रहेगा तो सच में उस द्वार की शोभा जरूर बढ़ाएगा। हम लोग दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर लगाते हैं, मैं कहता हूँ ये घोड़ा ही ले जाइए आप। सच्चे घोड़ा को हम लोग रखते हैं, तस्वीर नहीं लगाते हैं। हाँ। सच्चे घोड़ा दौड़ाते हैं। हाँ। और दौड़ते हुए घोड़ा रखते हैं। हाँ। तो इसलिए घोड़ा की तस्वीर रखने की कोई जरूरत नहीं। ले जाएंगे कि यार दाम हम थोड़ा ज्यादा लग रहा है? दाम ज्यादा नहीं है, क्या है इनका घर का घोड़ा, दाम कुछ नहीं इनका घर का है, खाली हुकुम भुख है जे जाए चल जाएगा। हुकुम देंगे तो अब ये चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ, घोड़ा का पंख होता है, पहले घोड़ा उड़ता था। हाँ पहले देखिए चारों पर पंख का धागा है। हाँ क्या स्पीड ये मतलब अभी तो बच्चा है, 22 महीने का है, लेकिन तभी चलता चलता है। आज भी 30 का मौसम में चलेगा। रेस करवाएंगे इसको, ले जाएंगे तो सिर्फ शोभा के लिए। शोभा के लिए हम लोग रेस उसमें नहीं जाते, सिर्फ घर की शोभा। हम लोग घर के शोभा के लिए रखते हैं और कहीं रेस उसमें नहीं जाते हैं। चलिए आप सोनपुर मेला में आए, और सोनपुर मेला की चर्चा जो है वो सदियों से मतलब दशकों से है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के घोड़े यहाँ बिके हैं, आए हैं। मेला है एशिया का, मेला है एशिया लेवल का सच में। हाँ यहाँ तो इसकी चर्चा ही है कि बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के घोड़े बड़े बड़े राजनीतिक लोग यहाँ पर खरीद लिए हैं, इसकी भी चर्चा है। निश्चित रूप से सभी लोग आते हैं, इस देश के तो आते हैं, विदेशों से भी लोग आते हैं, और जो पसंद जिसको होता है उसके मुमांगा दाम लेकर दे करके लेकर चला जाता है। इस मेला का यही खासियत है। चलिए आप आए, मेला की शोभा को बढ़ाए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए अजय सिंह जी। आपको भी, आपके पूरे दर्शकों को। गंगा नहान कल ही है, इस गंगा नहान के ढेर सारी शुभकामना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस बार इस घोड़े की चर्चा जो है एशिया के सबसे बड़े जो है पशु मेला में हो रही है, क्योंकि ये इस घोड़वा का नाम नहीं बताया आपने। बादल। बादल जो है, बादल इसका नाम है, और श्वेत रंग का ये घोड़ा जो है वो सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और इतना आकर्षित किया कि खुद जो है सांसद पति जी सिवान से चलकर चले आए, और इन्होंने सोचा कि इस घोड़े को एक बार देखा जाए, क्योंकि दो दिन पहले इनको इस घोड़े के बारे में पता चला था, और आज साक्षात्कार करने इस घोड़े का जो है ये सिवान से जो है सोनपुर चले आए हैं। बाकी आपको ये घोड़ा कैसा लगा? हमको तो लगता नहीं है कि जब तक हम ये वीडियो डालेंगे ये बचेगा ही चला गया है, तो इसकी आशा भी मत रखिएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।